हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 11 जनवरी से होगा गोरखपुर महोत्सव का रंगारंग आगाज, उद्घाटन करेंगे राज्यपाल। समापन के अवसर पर मौजूद रहेंगे सीएम योगी, आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। सुखविंदर सिंह, मोहित चौहान, भजन गायक सुरेश वाडेकर व भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा बिखेरेंगी जलवा, कमिश्नर ने दी जानकारी। बेलीपार क्षेत्र के कोलिया में दो पक्षों के विवाद में युवक की हत्या, मृतक की भैंस दूसरे पक्ष के दरवाजे पर भैंस ले जाने को लेकर विवाद में हुई मारपीट, दूसरे पक्ष के लोगों ने रस्सी से गला घोट कर की हत्या, मचा कोहराम। सूचना पर पहुंच पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी, एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र स्थित आश्रम के सेवादार पति और उसकी पत्नी पर बदमाशों ने किया हमला, लाठी डंडे से महिला की जमकर की पिटाई, गला घोट कर की हत्या का आरोप। पति ने तीन अज्ञात के खिलाफ दी तहरीर, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का डीएम ने किया निरीक्षण, कहा 3 को सीएम करेंगे कंबल का वितरण। गोरखपुर महोत्सव में इस बार महानगर के ऑटो चालक भी बिखेरेंगे अपना जलवा, बेस्ट ऑटो और चालक को किया जाएगा पुरस्कृत। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी ने दी जानकारी। यातायात विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने किया सम्मानित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा किसानों और बेरोजगारों की हितैषी है कांग्रेस पार्टी। पुनवल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए एसएसपी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा। गुड्डू सिंह क्रिकेट एकेडमी ने नए वर्ष में जीत से किया आगाज, जीसीए के जिला क्रिकेट लीग में गुरुजी क्रिकेट एकेडमी को 4 विकेट से हराया। और फोर्थ अक्की कप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आगाज, उद्घाटन मैच में खलीलाबाद ने राइजिंग स्टार बड़हलगंज को 209 रनों से रौंदा।